कि एक हिरण और हिरणी घूम रहे थे कहीं, पानी पीने को उनको भी चाहिए था, लेकिन जहाँ पानी पीने गए वो पानी इतना कम था कि वो दोनों नहीं पी सकते थे। उसने तो कहा तू पी, उसने कहा तू पी, दोनों ही मर गए। तो पास में से कोई लोग आए तो उन्होंने कहा तो शिकारी नहीं दिख रहा, इनके कहीं तीर भी लगा हुआ नहीं है, कि इन दोनों ने कैसे मौत हो गई इनकी। तो आपने मुझे क्या जवाब दिया, नेह घणो जल थोड़ो, तू पी कहवता दोनों तजो शरीर। ये ऐसा वक्त है जब गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। जुलाई का महीना भी निकल गया, बारिश का नामो निशान तक नहीं है। बारमेर के चकनगरडा गांव में 10 साल के चंदू को मेढक बनाया गया है, जो इंद्रदेव को पुकार कर ये बताएगा कि गांव में एक एक घड़ा सूखा पड़ा है। चंदू के नेतृत्व में ये जुलूस घर घर जाकर अनाज इकट्ठा करता है। इस पुराने रिवाज में सभी भाग लेते हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान। आखिर में गांव के सूखे तालाब के पास जमा होकर दिन भर की अनाज की कमाई को गुड़ के साथ पकाया जाता है और इंद्रदेव को चढ़ाया जाता है। तब कहीं जाकर बच्चों को ये मीठा प्रसाद मिलता है। मगर इतनी सारी पूजा पाठ और खेलकूद के बाद भी बारिश गायब है। बादल घुमड़ घुमड़ कराते और चले जाते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सांध्यकालीन प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मॉनसून की बेरुखी के कारण सूखे की आशंका मंडराने लगी है। वर्षा की कमी के कारण संभाग के बाड़मेर जिले में तो स्थिति और भी खराब है। अगले 10 दिन बरसात नहीं होगी तो पानी पीने के लिए इन गांवों में नहीं मिलेगा सर। लोग बाग भागेंगे, गांव छोड़ेंगे, कहीं जहाँ के पानी वहाँ बैठेंगे, और तो क्या, जानवर मर जाएंगे। जानवर तो साथ नहीं ले जा सकते, यही होगा और तो क्या होगा। पीने के पानी का संघर्ष थार रेगिस्तान में पुराना है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में फैला हुआ थार दुनिया के सबसे गर्म और सूखे इलाकों में से एक है। यहाँ प्रकृति हर मामले में कठोर जान पड़ती है। देश में सबसे कम बारिश यहाँ होती है, कोई बारामासी नदी भी नहीं है और भूजल खारा है। और फिर बचती हैं ये टंकियां जो दूर दराज के ट्यूबवेल से पानी सप्लाई करती हैं। मगर भीषण गर्मी में बिजली की कमी के कारण इन गांवों तक पानी नियमित तौर पर सप्लाई नहीं हो पाता। टंकी में पानी महीने में एक बार आता है, लाइन नहीं आ रही तो दिन पानी कहां से आएगा, पाइपलाइन नहीं छोड़ेंगे तो कहां से आएगा। और तहसीलदार की टंकी कभी आती है, टैंकर गांव में खाली होता है तो दो दो घड़े मिलते हैं और कोई पानी की सुविधा नहीं है। स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, मगर इससे यहाँ के लोगों के जीने के जज्बे में कोई कमी नहीं दिखती। 90 साल की किशनी अब उसे हंसी में उड़ा देती हैं। वो सूखे के दिन जब पीने का पानी जोधपुर से रेलगाड़ी में लादकर बाड़मेर तक भेजा जाता था, मीलों पैदल चलकर वो ट्रेन तक पहुँचती और फिर पानी घर तक लाती। पर अब ऐसा नहीं है, इनके परिवार के पास खुद का टांका है ठीक घर के बाहर। इससे घर की बहुओं का जीवन बहुत बेहतर है। इस सूखे में भी इनके टांके में कुछ पीने का पानी जमा है, और वो भी जून में सिर्फ एक बरसात के बदौलत। ये टांका बेशक नया है, पर रेगिस्तान में ये नियम बहुत पुराना है। अगर यहाँ जिंदा रहना है तो पीने के पानी का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये टांका पानी जमा करने का सबसे आम तरीका है। आप जमीन के नीचे एक पक्का टैंक बनाते हैं और उसके चारों ओर एक ढलान वाला आगोर यानी कैचमेंट। आगोर को साफ सुथरा रखा जाता है और टैंक में पानी के प्रवेश स्थान पर जाली लगाई जाती है, जिसे किसी भी प्रकार का कचरा बाहर रोका जा सके।
बारिश होने पर आगोर पर पड़ने वाली हर एक बूंद सीधे टैंक में जाकर गिरती है। यहाँ जो पूंजी जमा हुई वो है स्वच्छ शुद्ध पीने का पानी। अगर अच्छी बारिश हो तो एक टांका 30,000 लीटर से लेकर 1,00,000 लीटर तक पीने का पानी इकट्ठा कर सकता है, जो लगभग 6 से 8 महीने तक काम आ सकता है। बरसात का पानी अगर साफ टांके में रहेगा तो आपको साल भर में साफ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप साफ पानी उसमें लेते जा रहे हैं और उस पानी के टांके पे अगर एक हैंडपंप लगा दिया तो पानी गंदा होगा ही नहीं। कैसे होगा पानी गंदा बताइए? उसमें कुछ गिरेगा ही नहीं। आपका साफ पानी जा रहा है, हैंडपंप से पानी निकाल रहे हैं, कितना स्वच्छ स्वास्थ्यकर पानी हम उससे पी पाएंगे। कई घरों में इस तरह के अंडरग्राउंड टैंक्स भी हैं जो छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को जमा करते हैं। 20 से 30,000 लीटर की क्षमता वाले ये टैंक रेगिस्तान के गांव और शहर दोनों ही जगह मिलेंगे। पर जब इन टंकियों में पानी खत्म हो जाता है तब लोग रामसर जैसी जगह पर आते हैं। सूरज ढलने से पहले पुरुष, महिलाएं और यहां तक कि प्राइवेट टैंकर्स भी आपको इन छोटे कुओं, जिन्हें बेरी कहा जाता है, इनके आसपास नजर आएंगे। आमतौर पर ऐसा लगता है जैसे ये भूजल यानी ग्राउंड वाटर खींच रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। बेरी ज्यादातर सूखे तालाब की जमीन पर खोदी जाती है। ये बहुत सकरा कुआं होता है, गहराई भी 10 से 12 फीट से ज्यादा नहीं होती। साल के ज्यादातर समय बेरियां पानी में डूबी रहती हैं। गर्मी के दौरान जब तालाब सूख जाता है तो जमीनी सतह से ठीक नीचे नमी वाली जिप्सम बेल्ट से पानी धीरे धीरे रिसकर बेरी में इकट्ठा होता रहता है। बेरी एक ऐसी मुर्गी है जो हर रोज सोने का अंडा देती है। आज आप उसमें से मीठे पानी की आखिरी बूंद भी निकाल लीजिए, मगर कल उसमें फिर पानी जमा मिलेगा। सबसे आखिर में ये है रेगिस्तान की रीढ़ की हड्डी यानी कि तालाब। इन्हें कई सदियों पहले गांव के साधारण लोगों ने बनाया था, मगर उनकी कारीगरी बहुत ठोस थी। तभी तो गांव में गिरने वाली बारिश की हर एक बूंद बहकर उसके तालाब में रुकती है। आज यहां बाड़मेर में पिछले साल की बारिश का लगभग 20% पानी ही बचा है इन तालाबों में, और फिर भी गांव वालों और उनके मवेशियों के लिए ये जीवन रेखा समान है। और ये पानी बारिश का होता है, ऊपर वाले कुदरत का होता है, तो बिल्कुल भी अच्छा होता है, पीने लायक होता है। हर इंसान लावारिस भी इसमें पानी पी सकता है। और बेरा नल टूट होता है उसके ऊपर तो हावी हो जाता है कि ये हमारा है, ये उसका है, ये उनका है। तो इस ये तो सार्वजनिक है, इसमें कोई किसी की ताकत नहीं होती है। पंचायत का, समाज का, इसमें सबका हक है। इसे थार रेगिस्तान का दिल ही समझिए। यह है 800 साल पुराना जैसलमेर शहर। समय के साथ साथ यहाँ के राजाओं और प्रजा ने मिलकर कोई 52 तालाब बनाए, जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता और पूरे शहर की जरूरत पूरी करता। इनमें सबसे बड़ा तालाब था घरसीसर, जो सबसे प्रसिद्ध भी हुआ। सुंदर नक्काशी वाले पत्थर के स्तंभ मिले तो समझ जाइए तालाब आसपास है और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। जो सदा जीवित रहे यानी अमर सागर जैसा शानदार तालाब भी था। बारिश अगर हाथी को डुबो दे तो इसका मतलब तालाब का पानी 6 महीने तक चलेगा, और अगर घोड़े को डुबो दे तो बात ही क्या, पानी साल भर तक काम आएगा। ये सारी ही रवायतें प्रेरणा से भरपूर हैं, मगर सच तो ये है कि गुजरते वक्त के साथ काफी कमजोर पड़ गई हैं। रेगिस्तान में जैसे ही पाइपलाइन से पानी पहुंचाया गया, लोग धीरे धीरे पानी संचित करने की परंपरा से दूर होते गए। नतीजा ये कि आज जब इंदिरा गांधी कैनाल रेगिस्तान में दूर दराज के गांव तक ठीक तरह से पानी नहीं पहुंचा पाती, तो प्राइवेट टैंकर्स जो आसमान छूटे दाम पर पानी बेचते हैं, इनके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे परिवेश में जब आधुनिक जीवन शैली हर समस्या का हल नहीं जुटा पाती, तब अक्सर समाज अपनी परंपराओं को मुड़कर देखता है।
बाड़मेर जिले में कुछ ऐसा ही हुआ जब सैकड़ों ग्राम पंचायतों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत पारंपरिक जल संरक्षण व्यवस्था की मांग रखी, जिसे जिला प्रशासन ने बड़े जोशीले ढंग से कार्यान्वित किया। लगभग 4,70,000 घरों ने रोजगार पाने के लिए पंजीकरण कराया और ग्राम सभाओं की निगरानी में हर कोई हर जगह जल संरक्षण ढांचे बनाने में लग गया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 45,000 परिवारों को अपना व्यक्तिगत टांका बनाने के लिए सामान और मजदूरी दी गई। हर एक टांके में लगभग 30,000 लीटर पीने का पानी इकट्ठा किया जा सकता था। दो 2,000 तालाब और 500 बेरियों की मरम्मत कर उन्हें पुनर्जीवित किया गया। ठीक एक साल बाद 2010 के मानसून में बाड़मेर में सिर्फ नए टांकों में लगभग 1,300 मिलियन लीटर पानी इकट्ठा हुआ। टांका ठाया बस फायदा घणो ही है, पानी घणो ही बरसात में भरी जरा टके नोड़ो भरी जरो हमें पानी सुविधा घणी है। टांको मारे भरी जी इन साल में तो साल भर तक ही मारे समस्या खत्म ही हो जाए पानी की। नहीं हो टांको नहीं भरी जाए पानी नहीं है तो दूर जाना ही पड़ेगा। नहीं तो 77 साल की मदन कौर बाड़मेर की जिला प्रमुख हैं और 1960 से लेकर अब तक लोगों के बीच काम करती आई हैं। उनका मानना है कि सरकार के रोजगार गारंटी अधिनियम के जरिए हर एक परिवार को पीने के पानी के लिए सक्षम बनाना चाहिए, चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे हो या ऊपर। हमारी जो रीजनल स्कीम्स हैं, रूरल रीजनल स्कीम्स हैं पानी देने की, उसमें हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और गाँव में निःशुल्क पानी उपलब्ध कराते हैं। अगर आप पानी आता है तो, ना आए तो अलग बात है। और उसके मैनेजमेंट में लाखों ही नहीं करोड़ों रुपए मैनेजमेंट में खर्च करते हैं, कितना बड़ा स्टाफ लगाते हैं। इवन देन क्योंकि दूरियां बहुत होती हैं वो ठीक से सप्लाई पानी कर नहीं पाते, लेकिन वहाँ भी निःशुल्क है, उसमें चाहे APL है BPL है सबको निःशुल्क है। तो फिर ये नरेगा में जब हम लेबर आदमी को APL BPL को सबको देते हैं तो फिर टांका भी देना चाहिए। एक बार आपने टांका बना कर दे दिया उसको, उसकी सार सवार मेंटेनेंस एवरीथिंग वो खुद काश्तकार करेगा, चाहे वो APL है चाहे BPL है, तो बहुत बड़ी मदद मिलेगी सरकार को। सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। बात काफ़ी सीधी सी है, अगर देश के सबसे सूखे इलाके में रहने वाले लोग अपने पीने के पानी का खुद समाधान कर सकते हैं तो फिर किसी भी परिवार या समुदाय को पानी के अभाव में जीने की कोई वजह नहीं है। मैं तो सच में ये कहूँगी कि सारे देश में पीने का पानी तो हर परिवार को अपना इकट्ठा करना ही चाहिए, क्योंकि नदियों में भी धीरे धीरे पानी कम होता चला जा रहा है और हमको वो पानी खेतीबाड़ी के लिए भी चाहिए। हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी पास करने वाले हैं तो कहाँ से देंगे अनाज लोगों को, कहाँ से देंगे दालें लोगों को, तो वो पानी तो हमारा सिंचाई में काम में आए। और पीने का पानी हर परिवार इस देश में कहीं भी रहे कोई भी रहे अपना पीने का पानी उसको अपने छत से इकट्ठा करके रखना ही चाहिए। दिस इज द मैसेज दैट आई वांट टू गिव।